नमस्कार, स्वागत है आपका अर्निंग फोलियो में। अगर आप ऑटो एंसिलरी क्षेत्र की किसी एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमारा ये आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज हम बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो कि ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इसका नाम है PPAP ऑटोमेटिव लिमिटेड। इस कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करें तो ये ऑटोमोबाइल सीलिंग सिस्टम, इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑटोमेटिव पार्ट्स बनाती है। ये कंपनी 1985 में ऑटोमेटिव पार्ट्स के बिजनेस में आई थी और इसने अपना बिजनेस मारुति सुजुकी की कार के साथ शुरू किया था, और ये आज भी मारुति सुजुकी की कार्स के लिए सीलिंग सिस्टम, इंटीरियर और एक्सटीरियर पार्ट्स की सप्लाई करती है। मारुति के अलावा इसके कस्टमर्स कि अगर हम लिस्ट देखें तो इसके पास होंडा, टोयोटा, निसान, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा के जैसे कई और कस्टमर्स इसकी लिस्ट में हैं। प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनी की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी मोल्डिंग विंडशील्ड, रूफ मोल्डिंग और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है जो कि हमारी गाड़ियों में यूज़ होते हैं। जाहिर सी बात है, मारुति तो ये सब नहीं बनाती है, ये भी मारुति भी किसी और कंपनी से खरीदती है। जैसे कि हम जानते हैं टायर भी मारुति नहीं बनाती है, टायर भी हमारी गाड़ी में MRF, अपोलो, ये सारी कंपनियों से ये टाटा या महिंद्रा या मारुति खरीदती है। ऐसे ही बाकी के ऑटोमेटिव सीलिंग के प्रोडक्ट्स भी मारुति PPAP से खरीदती है। जैसे कि आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, हमारी गाड़ी में मोल्डिंग विंडशील्ड और डोर सील, ओपनिंग सील, एयर स्पॉइलर, ग्लास रन, जैसे कि हमारी गाड़ी में गेट में जो ग्लास ऊपर नीचे होता है तो उसके जो चैनल्स हैं, गेट बंद होता है तो जो रबर का एक सीलिंग होती है, एसी में भी जो सील होता है, जो एयर स्पॉइलर होता है, ये सब चीज़ें, इनर बेल्ट, ये सब जो एसेसरीज हैं ये कंपनी बनाती है, और मारुति, होंडा, टोयोटा ये कई सारी कंपनी उसको सप्लाई करती है। एक्सटीरियर एंड इंटीरियर इंजेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, जैसे कि हमारी गाड़ी के अंदर, डोर के अंदर के साइड में जो इंटीरियर पार्ट होता है, गाड़ी की रूफ में जो इंटीरियर्स होते हैं, और हमारे गाड़ी के कार में जो साइड में साइड प्रोटेक्टर्स लगे होते हैं, और जो फ्रंट में जो केबिन्स होते हैं, वो सारी चीज़ें, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये PPAP ऑटोमोटिव लिमिटेड बनाती है। मार्केट शेयर की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपनी का 98% सेल पैसेंजर व्हीकल्स से आता है, और पैसेंजर व्हीकल्स एक ऐसा सेगमेंट है जो कि इंडिया में एक ग्रोथ पाथ पे है। ये क्वार्टर इसका अच्छा नहीं रहा है, इस 2019 के फर्स्ट ईयर में अभी जो क्वार्टर आया ये अच्छा नहीं रहा है, लेकिन ओवरऑल चूंकि हमारी इकोनॉमी एक अच्छे पाथ पे है, एक ग्रोइंग इकोनॉमी है इंडिया की, तो ऑटोमोटिव सेक्टर भी जाहिर सी बात है कि एक ग्रोइंग सेक्टर रहेगा। जब लोगों की अर्निंग्स अच्छी होंगी तो हमारी सभी लोगों के पास ऑब्वियसली गाड़ियाँ भी होंगी। कंपनी ऑटोमेटिव सीलिंग प्रोडक्ट्स, अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है क्वार्टर थी फाइनेंशियल ईयर 2019 की, तो हमारे इंडिया में 8.87 लाख कार्स सोल्ड हुई हैं, पैसेंजर व्हीकल्स सोल्ड हुए हैं, और उसमें 72% टोटल पैसेंजर व्हीकल्स में इसी कंपनी के सीलिंग प्रोडक्ट्स यूज़ हुए हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका एक मार्केट शेयर बहुत अच्छा एक मार्केट शेयर है। मारुति सुजुकी इसका एक टॉप कस्टमर्स है, और इसका 49% ऑफ द रेवेन्यू मार्केट मारुति सुजुकी से आता है, और इसका 28% ऑफ रेवेन्यू होंडा से आता है। तो इसके मेजर दो क्लाइंट मारुति और होंडा हैं। वैल्यूएशंस की अगर हम बात करते हैं तो 2014 में ये कंपनी 2,400 मिलियन के अराउंड रेवेन्यू इसका हो था, और 2018 में जो कि लगभग डबल से थोड़ा सा कम है, इट्स अराउंड 4,088 मिलियन। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग ये कंपनी एक डेब्ट फ्री कंपनी है, ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, धीरे धीरे इसने अपना सारा डेब्ट रिड्यूस कर दिया है। नेट प्रॉफिट मार्जिन इसका धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, 2014 में इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.21% था, 2018 में जो कि बढ़कर 9.15% हो गया है। ROE अगर हम बात करें तो निफ्टी 50 की कंपनीज के कंपेरिजन में इसका ROE बहुत ही कम है, बट स्टिल चूंकि एक ग्रोइंग कंपनी है, नेट प्रॉफिट एंड रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो ROE भी एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में है जो कि हम देख सकते हैं। कंपनी
कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट रेवेन्यू में पिछले 3 साल में 9% का रहा है और कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट प्रॉफिट में पिछले 3 साल में 46% का रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा ग्रोथ रेट कहलाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर हम बात करें तो इस कंपनी को 64% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं और इसमें FII की होल्डिंग लगभग 1% की है। प्रमोटर्स ने इसमें होल्डिंग थोड़ी सी लगभग 0.5% के अराउंड या 1% के अराउंड होल्डिंग लास्ट क्वार्टर में बढ़ाई है, जो कि एक अच्छा साइन है। मैंने कहीं पर पढ़ा था कि लोग इस बारे में कंफ्यूज हैं, ऑटो एंसिलरी सेक्टर जो है वो कि बहुत डिक्लाइन मोड में है, बिकॉज बैटरी की गाड़ियां आने वाली हैं मार्केट में, तो ऑटो एंसिलरी सेक्टर एक बिल्कुल डाउन साइड में चला जाएगा। तो ये कंपनी ऐसा कुछ भी नहीं बनाती है जो कि डीजल टैंक या पेट्रोल से रिलेटेड, उसके जो भी पार्ट्स होते हैं उससे रिलेटेड ये कंपनी कुछ भी नहीं बनाती है। ये कंपनी सीलिंग प्रोडक्ट्स बनाती है, इंटीरियर एक्सटीरियर प्रोडक्ट्स बनाती है, जो कि चाहे गाड़ी बैटरी से चले या पेट्रोल से या डीजल से, एनी वे गाड़ी में उसकी ज़रूरत पड़ेगी ही। तो गाड़ी किसी की भी आए, ये प्रोडक्ट्स की ज़रूरत हमें हमेशा पड़ने वाली है। तो ये कंपनी को इन फ्यूचर आई डू नॉट थिंक कि रेवेन्यू में कुछ प्रॉब्लम होने वाली है। एक्सपेक्टेड प्राइस रेंज की अगर हम बात करें तो ये अभी एक अच्छे वैल्यूएशन में अवेलेबल है, और अगर हम 220 से लेकर 300 के अराउंड अगर इस शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो विद इन 18 to 24 months हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 450 से 550 की रेंज में ट्रेड करेगा। स्टिल ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप बाई और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से चेक कर लें और उसकी सलाह पर ही निवेश करें। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।